तो राहुल गांधी क्यों नहीं जीतने चाहिए? पप्पू है वो तो, पप्पू है, बोलना नहीं आता। बुजुर्ग भी हो गए, कितने साल तक रहेंगे मोदी जी? इनके योगी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे। बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी से डरती है भाजपा, इस वजह से उनको उठा के अंदर कर। नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हो। बाबरी मस्जिद गिरवाई थी तो उस समय किसकी सरकार थी? किसको देखते हो इलेक्शन जो होने वाला है? अगर मैं आपसे मोदी मोदी जी को, अच्छा ऐसा नहीं जैसे लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीतनी चाहिए या राहुल गांधी भी एक अच्छे कैंडिडेट है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जीतने चाहिए? पप्पू है वो तो, पप्पू है, बोलना नहीं आता। बोलना पप्पू है क्योंकि है ना, केजरीवाल जी ने बोला था कि हम दिल्ली की है ना गंदगी पूरी साफ कर देंगे, यमुना जी पूरी साफ कर देंगे, कहीं भी गंदगी नहीं हुई, घोटाले नहीं होंगे, जो नहीं होंगे। बताओ मोदी जी ने आज तक कोई घोटाला किया क्या? घोटाले होंगे कहाँ से? मोदी जी के पास है क्या कोई घोटाला? आज तक घोटाला नहीं है। उनका कहना ही गलत है केजरीवाल जी का। असली हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी आए हमारे, और वो ही रहे तो लोग हमारा सरकार में भी। लोग जैसा कि बोल रहे हैं, विपक्षी दल बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी से डरती है भाजपा, इस वजह से उनको उठा के अंदर करते। नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप हमेशा। हाँ, ये मैं विपक्ष की बात बता रहा हूँ। वो तो बीजेपी ही आएगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो नरेंद्र मोदी तो अब बुजुर्ग भी हो गए, कितने साल तक रहेंगे मोदी जी? इनके योगी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, योगी जी। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि मोदी जी ने क्या अच्छे अच्छे काम किए, दो तीन गिना सकते हो आप? मोदी जी ने सारे काम अच्छे हैं। बड़े में उनका नाम चलता है, विदेशों में नाम चलता है। हमारे भारत को पहले कोई नहीं जानता था, आज हमारे भारत में सबको जानते हैं, विदेशों में भी। कोई बताओ जानता था पहले विदेशों में? नहीं जानता था। लेकिन मोदी जी जब से आए, जब से विदेशों में नाम हो गया हमारा, आज हम बहुत फर्स्ट में हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी सेना जो जाती थी, पत्थर पड़ते थे, किसी में गोली मार दी जाती थी, पहले प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे? पीछे हाथ किए और बोल दिया, सर इतना इनाम घोषित करता हूँ और शोक है, खेद है बस। आज मोदी जी का टाइम है, कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता, उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता है। तो विदेशों में जो भारत की साख बढ़ी है, इससे आप खुश हो मोदी जी के काम से, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप एक चीज बताओ, जैसे कि विदेश में तो सारे लोग नहीं जाते बाहर से, है ना? जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग देश में ही रहते हैं, यही काम धंधा करते हैं। तो आप ऐसा कोई काम बताओ मोदी जी का जो जनता को डायरेक्ट फायदा मिला हो। मैडम अगर आपसे, अच्छा ठीक है, नहीं मोदी जी ने फायदा किया है ना, ग्रामीण क्षेत्र में जाओ प्रत्येक घर शौचालय मिलेगा। अच्छा, एक हो गया। सेकंड राशन का फ्री कर दिया, टोटल फ्री राशन है 80% को। हाँ, फ्री कर दिया राशन, फ्री कर दिया। उसके बाद कुटीर दे दिया। योजना है। हाँ, पहले लोग बाग क्या थे, किसी के पास रहने के लिए भी घर नहीं था। आज तुम प्रत्येक गांव में चले जाओ, 80% लोगों के पास घर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये प्लस पॉइंट है मोदी जी। झोपड़ियां सारी चीजें खत्म कर दी उन्होंने, मतलब झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल खत्म। हाँ, बिल्कुल खत्म है आज इंडिया के अंदर। 80% खत्म है, 20% बची हुई है। तो आप मुझे बताओ, जैसे कि अगर आपको सलाह देनी हो विपक्षी पार्टियों को कि उनको ऐसा क्या काम करना चाहिए कि वो बीजेपी के सामने टिक पाए या कॉम्पिटिशन में आए? वो तो पहले अपनी जेब भरने में लगती है, उसके बाद सलाह मांगती है। सलाह की जरूरत नहीं है उनको, सलाह की जरूरत नहीं, साफ हो जाएंगे 2024। मतलब अपने साफ होने के लिए खुद ही, मतलब अपनी जड़ें खोदने के लिए, खुद ही लगे हुए, खुद ही लगे हुए। देखो, यहाँ तो एक जगह तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ रही है, और दूसरी जगह अलग अलग लड़ रही है। अब चलो पंजाब में चले जाओ, केरला में लेफ्ट हो रहे, कांग्रेस दोनों लड़ रही है, और यहाँ एक हो रहे हैं। तो ऐसा है ना, मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग का माहौल है कि कहाँ साथ में हो जाते हैं, कहाँ अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ इनका जैसा लगता है ना कि भाई यहाँ हम सुरक्षित होना चाहते हैं, वहाँ तो वो एक जगह हो जाते हैं, और जहाँ ये सोचते हैं कि यहाँ हमारी सीट नहीं आएंगी, वहाँ एक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा सर, आपका सुभनाम क्या हुआ सर? बलवंत सिंह। बलवंत जी मुझे बताओ, जैसे केजरीवाल जी को अभी जैसे जेल में है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी कोर्ट ने, उसके बारे में आप क्या कहते हो? क्या सही में वो करप्शन हुआ है या फिर ये सिर्फ आकलन के तौर पर? नहीं, सही में इससे डरते तो ये किसानों वाला आंदोलन वो खुद कर रहा था कि कम से कम अपनी साख बच जाए, पंजाब से अपनी सीट आ जाए और दिल्ली में सीट आ जाए, ये किसान वहाँ इकट्ठे हो जाए। मैं राजस्थान से आता हूँ, तो ये तो 1992 में कांग्रेस की सरकार थी, चार जो इनकी सरकारें थी 1992 में नहीं गिराई, उस समय लोकतंत्र का हनन नहीं हुआ, और आज लोकतंत्र का हनन है कि वो तो बेल है, वो कोर्ट के अधीन चल रहा है तो केस, तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? उसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है, वो तो कोर्ट का रोल है, जो करेगा सो भरेगा। नहीं तो ये तो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने उठा के बंद कर दिया, और जैसे कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको भी रिसेंटली
इसी केसेस में ईडी ने उठा के बंद किया। बंद तो क्या चुनाव के वक्त ऐसे बंद करना क्या सही है? चुनाव तो अब चुनाव थोड़ी है, चुनाव तो अब है ना, ये तो 2023 से चल रहा है केस, पहले से चल रहा था। 1992 में कांग्रेस की सरकार थी, चार सरकारें गिराई है बीजेपी की, बताओ जिस समय अयोध्या का 1992 में बाबरी मस्जिद गिरवाई थी तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय राजस्थान की सरकार का क्या दोष था उसमें, और यूपी की सरकार का क्या दोष था, मध्य प्रदेश की सरकार का क्या दोष था? चलो यूपी में तो चलो उसका मान लो फेलियर मान लो, बाकी चार सरकार गिरवाई थी उन्होंने, उस समय किसका था? ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि जो कर रही है कोर्ट कर रही है। हाँ, कोर्ट कर रही है। तो कोर्ट ने भी अभी राम मंदिर पे जो फैसला आया था वो कोर्ट की तरफ से आया था, तो इसमें अब बीजेपी कहती है कि मंदिर हमने बनवाया, तो ये दोनों अलग अलग बात नहीं हुई? नहीं, बीजेपी ने राम मंदिर तो 70 साल से चल रहा था, लेकिन इन्होंने बीजेपी ने सामने वकील खड़े नहीं किए ना, उन्होंने तो वकील खड़ा किया था कि ये राम मंदिर बनना नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, तो उनका सपोर्ट तो था कम से कम। अच्छा मैं आपसे पूछूं इस बात को कि जैसे 10 साल में बीजेपी 10 साल में शासन में थी, तो आने वाले समय में आप क्या देखते हो, मतलब और क्या काम एक्सपेक्टेड है बीजेपी से? बहुत ज़्यादा, मतलब क्या एक्सपेक्टेड है, ऐसे जैसे आपको लगता हो 2-3 काम आप चाहते हो कि होने चाहिए आने वाले समय? कानून में बहुत जगह है, कानून में सुधार होना चाहिए इसके लिए। हाँ, कानून अभी भी मतलब दुतर्फा है, कहीं है। हाँ, अल्पसंख्यकों के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, ये चीज़ थोड़ा गलत है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वो, हाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए और, तो ये बहुत कुछ सुधार करना बाकी है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कि मोदी गवर्नमेंट से आप राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी के बारे में बताइए। अरे तो राहुल गांधी के बारे में बताइए ना, राहुल गांधी के लोग ऐसे निकल जाते हैं। ये तो भाई ये बात है, एक बार ये क्या है कि खड़ा कर रखा हुआ और जानती है, सारे पढ़े लिखे हैं लोग हैं वो तो जानते हैं। अब राशन है, 5 किलो राशन मिल रहा है, अब मेरे को आवास मिला था, तो वो लोग जो जिसको मिल रहा है पैसे पूरे के पूरे मतलब खाते में जा रहे हैं, नहीं तो पहले 5,000-10,000 रुपये ऊपर के ऊपर खाए जा रहे थे, तो वो सिस्टम सारा बंद हो गया ना, दलालों के थ्रू जो काम होता था वो बंद हो गया। मतलब मोदी जी के विकास कार्य जो आपने देखे 10 साल में, बहुत खुश हो आप? बहुत खुश है ना, मतलब वो चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेना है, सेना में ये होता था पहले दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ती थी हर चीज की, मतलब कोई भी अगर सेना कार्रवाई करती है पहले दिल्ली से इजाजत लो, पहले हमारे कितने से और होते, अब दिल्ली से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, हाथों हाथ वहीं काम हो जाता है। मतलब सेना को जो खुली छूट दी है बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो आपके हिसाब से आप मानते हो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया कदम, बहुत एकदम काम हो रहा है? अच्छा मुझे बताओ, जैसे मोदी जी अभी रिसेंटली जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, कल ही आया, उसमें बहुत सारी उन्होंने जो चीजें बताई है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई को आते ही बंद करेंगे, या फिर हम लोग जो लोगों को जो ग्रेजुएट हैं बच्चे उनको 1-1 लाख रुपए देना शुरू करेंगे, महिलाओं को 60-70 मतलब पैसे की जो योजना है ये देने की बात हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि राजनीति में ठीक है ये, ये फ्री की योजना है ना, ये देश को बर्बाद करने के लिए। 2019 में भी उन्होंने किया था हर आदमी को 72,000 देंगे, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है उसको इस चीज़ का पता है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं? विकास के लिए जरूरी है या फ्री का बांटने से जरूरी है, इस चीज़ को देखते हैं लोग पढ़े लिखे।